हमीरपुर सीनियर सेकेंडरी बाल स्कूल ने शिक्षा क्षेत्र में अपना अलग मुकाम हासिल किया है और स्कूल में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा पर ध्यान दिया जाता है। स्कूल प्रिंसिपल मंजू ठाकुर ने अभिभावकों से आह्वान किया है कि बाल स्कूल में अपने बच्चों को एडमिशन करवाएं ताकि बच्चों का भविष्य उज्जवल बन सके। प्रिंसिपल मंजू ठाकुर ने अभिभावकों से अनुरोध किया कि सरकारी स्कूल में बच्चों को एडमिशन करवाएं क्योंकि स्कूल में बच्चों का चहुंमुखी विकास करवाया जाता है। उन्होंने बताया कि स्कूल में स्मार्ट क्लासेस के अलावा गुणवत्तापूर्ण शिक्षा पर बल दिया जाता है। उन्होंने कहा कि बच्चों को बढ़िया लाइब्रेरी की सुविधा स्कूल में उपलब्ध है तो बढ़िया खेल मैदान का भी प्रावधान है। मंजू ठाकुर ने बताया कि बच्चों के लिए NCC NSS यूनिट के साथ स्काउट गाइड में भी हिस्सा लेने के लिए स्कूल में सुविधा है। उन्होंने कहा कि स्कूल में बच्चों को सारी सुविधाएं मुहैया करवाई जाती हैं। मैं मंजू ठाकुर, प्रधानाचार्य राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला बाल हमीरपुर। सबसे पहले तो सभी हमीरपुर वासियों को उनके बच्चों के लिए नए सत्र 2019-20 की बहुत बहुत बधाई देती हूँ और उन अभिभावकों का मैं बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ जो हमारे सरकारी विद्यालय में बच्चों को एडमिशन्स ले रहे हैं। और अन्य अभिभावकों से भी मैं ये अनुरोध करती हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को हमारे विद्यालय में एनरोल करवाएं और सरकारी स्कूलों में जो स्कीमें बच्चों के लिए अलग अलग चली हुई हैं उन स्कीमों का भी भरपूर फ़ायदा उठाएं। हमारे विद्यालय जैसे बाल स्कूल में हम बच्चों की स्मार्ट क्लासेस लेते हैं, बच्चों का चहुमुखी विकास जो है वो हम करवाते हैं। पढ़ाई के साथ साथ अन्य गतिविधियों में, अन्य एक्टिविटीज़ में भी बहुत सारे बच्चे जो हैं वो हमारे पार्टिसिपेट करते हैं। हमारे विद्यालय में स्मार्ट क्लासेस बच्चों के लिए जाती हैं, वोकेशनल एजुकेशन व्यावसायिक शिक्षा जिसे कहा जाता है वो भी हम बच्चों को देते हैं, ऑटोमोबाइल हेल्थ केयर की कंप्यूटर एजुकेशन हम बच्चों को देते हैं। साथ में स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ में और साइंस मॉडल एग्जीबिशंस वगैरह में भी, पेंटिंग कंपटीशन में हमारे बच्चे जो हैं वो नेशनल लेवल तक पार्टिसिपेट करते हैं। मैं सभी अभिभावकों से यही गुजारिश करूंगी कि इन सारे स्कीम्स का, स्कॉलरशिप स्कीम्स हैं, MDM स्कीम्स हैं, फ्री टेक्स्ट बुक बच्चों को प्रोवाइड की जा रही है, बच्चों के लिए फ्री यूनिफॉर्म्स दी जा रही हैं। उसके साथ साथ हमारे विद्यालय में एक बहुत बड़ी लाइब्रेरी भी है। इस लाइब्रेरी में हमने बच्चों के लिए 16,000 के करीब किताबें जो हैं वो खरीद रखी हैं और साथ में हम JEE मेंस, नीट एग्ज़ाम या जो भी बच्चों ने और जो हमारे लीड के एग्ज़ाम्स होते हैं उनकी किताबें हमने बच्चों के लिए खरीदी हैं और बच्चों की एक्स्ट्रा क्लासेस ज्वाइन, इसके लिए बच्चों की एक्स्ट्रा क्लासेस ली जाती हैं, एक्स्ट्रा कोचिंग बच्चों को दी जाती हैं और ये लाइब्रेरी से किताबों का भी बच्चे हमारे भरपूर फ़ायदा जो है वो उठाते हैं। और इसके अन्य हमारे स्पेशल बाल स्कूल में जो है NCC यूनिट भी चलाई गई है, बच्चों की NSS की यूनिट है, साथ में स्काउट एंड गाइड की यूनिट है जिसमें बच्चे बढ़ चढ़ कर जो है वो पार्टिसिपेट करते हैं और स्टेट लेवल की एक्टिविटीज़ तक जो है वो बच्चे पार्टिसिपेट करते हैं। मैं दोबारा से उन सभी अभिभावकों का धन्यवाद करती हूँ जो ज़्यादा से ज़्यादा एडमिशन्स हमारे विद्यालय में करवा रहे हैं, अपने बच्चों का और अपना पैसा जो है वो बचा रहे हैं सरकारी स्कूलों में दाखिला लेके। और अन्य अभिभावकों से भी मैं ये गुजारिश करूँगी कि हमारे सरकारी स्कूल में ही बच्चों को एडमिशन्स करवाएं और बच्चों के लिए पैसे को बचाएं और जब बड़े हो जाएंगे बच्चे तो उन बच्चों को अच्छी अच्छी डिग्रियां लेने के लिए उस पैसे को बचाएं। इन्हीं शब्दों के साथ धन्यवाद। जय हिंद।